हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, यानी कि हमें 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आएगा, और यहां से हम इस डेसिमल को हटा देंगे। तो जब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 35 और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक नंबर भी फ्रैक्शन में है या दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल आप यहां लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, हमें 7 को डिवाइड करना है अब 35/10 से, और 35/10 फ्रैक्शन नंबर है, तो हम यही मेथड यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया। तो ये 7 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में क्या है 35/10, इसका रेसिप्रोकल होगा 10/35, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। तो यहां हमने 35/10 का रेसिप्रोकल लिखा 10/35। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 7 है, यहां डिनोमिनेटर में 35 है। ये 7 और 35 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। देखिए 7 × 7, ये 7 तो कट गया, और 7 × 5 = 35, तो ये 35 भी 7 से कट गया। अब यहां न्यूमरेटर में 10 है, यहां 1 है, 10 × 1 = 10 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 10 आ गया, अपॉन में क्या बचा 5, तो यहां अपॉन में 5 आ गया। अब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 10 और 5 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों ही नंबर्स को 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 × 5, ये 5 कट गया, एंड 5 × 10, ये 10 भी 5 से कट गया, और यहां न्यूमरेटर में 2 आ गया। अब न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब यानी कि अपॉन में हम 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 7 को डिवाइड किया 3.5 से तो हमें आंसर मिला है 2। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 36 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी हमें 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब ये 36 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आएगा, यहां से हम इस डेसिमल को हटाएंगे, और जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर न्यूमरेटर में हमें 2 मिलेगा और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया है कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब हम इस 36 को यहां पर एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में जो नंबर है 2/10, इसका रेसिप्रोकल होता है 10/2, तो यहां पर हमने 2/10 का रेसिप्रोकल लिखा 10/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में 36 है और यहां डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 36 और ये 2 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। देखिए 2 × 2, ये 2 तो कट गया, अब हम 36 को भी 2 से काटेंगे। देखिए 2 × 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 × 6 = 16 होता है, 2 × 8 = 16, तो जब हमने 36 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 18। अब यहां न्यूमरेटर में है 18 और यहां न्यूमरेटर में है 10। अब हम इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमें मिलेगा 180, और यहां अपॉन में सिर्फ 1 बचा, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 36 को डिवाइड किया 0.2 से तो हमें आंसर मिला है 180। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी हमें 3.25 को डिवाइड करना है 0.5 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है।
अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे स्टूडेंट्स। तो जब हमने यहां से डेसिमल हटाया तो न्यूमरेटर में हमें मिला 325 और अपॉन में आ गया 100। अपॉन में 100 इसलिए आया क्योंकि यहां अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। ये डिवाइड का साइन यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें 5 मिलेगा और अपॉन में 10 आएगा। ये 10 इसलिए आया कि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब हमें 325 अपॉन 100 को डिवाइड करना है 5/10 से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं जिनमें से अगर एक भी नंबर फ्रैक्शन में है या दोनों ही नंबर्स अगर फ्रैक्शन में है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में जो ये नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर्स फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पर यही मेथड यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया है। तो ये 325/100 यहाँ पर एज इट इज आ गया। डिवाइड को हमने चेंज किया है मल्टीप्लाई में, डिवाइड के राइट में है 5/10। 5/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/5। तो यहां पर हमने 5/10 का रेसिप्रोकल लिखा है 10/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जीरो और ये एक जीरो यहां पर आपस में कट जाएगी। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है 325, यहां डिनोमिनेटर में है 5। 325 और 5 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। देखिए 5 × 5, ये 5 तो कट गया। अब हम 325 को भी 5 से ही काटेंगे। 5 × 6 = 30 होता है, 32 में से 30 गया, 2 बचा, 2 × 5 = 25 होता है, 5 × 5 = 25। तो जब हमने 325 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला है 65। अब यहाँ न्यूमरेटर में 65 है और यहाँ न्यूमरेटर में 1 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 65 × 1 = 65 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 65 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ 1 है, 10 × 1 = 10 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब हमें मिल गया है 65/10। अब हम 65 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस एक जीरो को यहाँ से हटाएंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ यहाँ आ जाएगा। तो ये 65 हमने एज इट इज लिखा और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो जब हमने 3.25 को डिवाइड किया 0.5 से तो हमें आंसर मिला है 6.5। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, यानी हमें 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हमने यहां से डेसिमल हटाया स्टूडेंट्स तो हमें न्यूमरेटर में मिला 3094 और अपॉन में 100 आया। अपॉन में 100 इसलिए आया है कि अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे। जब हमने ये डेसिमल हटाया तो हमें न्यूमरेटर में मिला 7 और अपॉन में 10 आया। अपॉन में 10 इसलिए आया है कि यहां पर अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब हमें 3094/100 को डिवाइड करना है 7/10 से। तो ये 3094/100 यहाँ पर एज इट इज आ गया है। डिवाइड को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में है 7/10। 7/10 का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स 10/7। तो यहाँ पर हमने 7/10 का रेसिप्रोकल लिखा 10/7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक जीरो और ये एक जीरो आपस में कट जाएंगी तो हम इस जीरो को इस जीरो से यहाँ पर काट देते हैं। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में है 3094 और यहाँ डिनोमिनेटर में है 7।
3094 और 7 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। अब देखिए 7 वन द 7, ये 7 तो कट गया। अब देखिए यहां पर है 3094, 3094 को अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 फोर द 28 होता है, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 एंड 9 29 होता है, 7 फोर द 28। अब 29 में से 28 गया, 1 बचा, 1 एंड 4 14 होता है, 7 टू द 14। तो जब हमने 3094 को 7 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया है 442। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 442 है, यहां न्यूमरेटर में 1 है। जब हम 442 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 442। अब यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, 10 इंटू 1 10 होता है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया है 442/10। अब हम 442 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 0 है, हम इस 1 0 को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से ये 1 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा 4 और 2 के बीच में। तो ये 442 यहां पर हमने एज इट इज लिख दिया है, और ये जो डेसिमल यहां लास्ट में था ये यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां आ गया। तो जब हमने 30.94 को डिवाइड किया है 0.7 से तो हमें आंसर मिला है 44.2। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी हमें 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हम यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें 5 मिलेगा और अपॉन में 10 आ जाएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया है कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। डिवाइड का साइन यहां एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे। जब हमने ये डेसिमल हटाया तो हमें न्यूमरेटर में मिला 25 और अपॉन में 100 आ गया। यहां पर अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि यहां राइट से चेक कीजिए, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 100 आ गया। अब ये 5/10 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को हमने चेंज किया है मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में है 25/100। अब हम यहां पर 25/100 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। 25/100 का रेसिप्रोकल होता है 100/25। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 0 और ये 1 0 आपस में कट जाएंगे तो हम इस 0 को इस 0 से यहां पर काट देंगे। अब देखिए यहां न्यूमरेटर में 5 है, यहां डिनोमिनेटर में 25 है। ये 5 और 25 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो हम 5 और 25 को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 वन द 5, ये 5 तो कट गया, एंड 5 5 द 25, तो ये 25 भी 5 से कट गया और यहां पर हमें मिला 5। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां 10 है, 1 इंटू 10 10 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 10 आ गया। यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 5 है, 1 इंटू 5 5 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब हमें मिल गया है 10/5। अब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों ही नंबर 5 से कटते हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से काट देंगे। देखिए 5 वन द 5, ये 5 कट गया, एंड 5 टू द 10। अब यहां न्यूमरेटर में बचा 2, यहां डिनोमिनेटर में आ गया है 1, तो ये डिनोमिनेटर में 1 हम लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें फाइनली आंसर मिल गया है 2। तो जब हमने 0.5 को डिवाइड किया 0.25 से तो हमें आंसर मिला है स्टूडेंट्स 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।